वेलकम टू द वीडियो एन इनसाइट इनटू द प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट के पार्ट फोर में आज हम लोग देखेंगे कि अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, उसके बारे में कहां कुछ लिखा गया है, क्या कुछ प्रोविजन है। तो चलिए देखते हैं अरेस्ट हाउ मेड, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, इसके बारे में बीएनएसएस की धारा 43 डिफाइन करता है और कहता है अरेस्ट हाउ मेड, कैसे अरेस्ट होगी। In making an arrest, the police officer or other person making the same shall actually touch or confine the body of the person to be arrested, unless there be a submission to the custody by word or action. अगर हम किसी को word और action से उसको गिरफ्तार करते हैं, अगर वो submission कर देता है तो ठीक, अगर वो अपने आप को submission नहीं करता है, समर्पण नहीं करता है, तब हम उसे touch और उसके body को confine करते हैं। परंतु दिया provided that where a woman is to be arrested, अगर कोई महिला का गिरफ्तार करना है, unless the circumstances indicate to the contrary, अगर कोई विवादक स्थिति नहीं है, her submission to custody on an oral intimation of arrest shall be presumed, अगर हम उसको oral intimation देते हैं custody के लिए, तो वो arrest माना जाएगा। Unless the circumstances otherwise require or unless the police officer is a female, the police officer shall not touch the person of the woman for making her arrest. अगर महिला पुलिस अधिकारी नहीं है तो circumstances अगर विपरीत नहीं है तो महिला को arrest करते समय touch नहीं किया जाएगा। ये पहला condition है। दूसरा क्लॉज बताता है अरेस्ट हाउ मेड में कि इफ सर पर्सन फोर्सिबली रेसिस्ट द एंडेवर टू अरेस्ट हिम और अटेम्प्ट टू इवेड द अरेस्ट, सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मे यूज ऑल मींस नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट। जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे होंगे कि अगर कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी का बलपूर्वक विरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करता है तो पुलिस ऑफिसर अपनी मिनिमम जो नेसेसरी मींस है उसको इफेक्ट करके लागू करके उसको गिरफ्तार करेगा। ये दूसरा क्लॉज। 43 का जो तीसरा क्लॉज है ये नया जोड़ा गया, अमेंडमेंट करके लाया गया है, पीएनएसएस में न्यूली क्लॉज है और इसमें ये बताया गया कि हैंडकफिंग के कौन कौन से कंडीशन है कि किस कंडीशन में हम एक्यूज्ड को हैंडकफ करेंगे। तो कहता है द पुलिस ऑफिसर मे Keeping in view the nature and gravity of the offense, सबसे पहला कहा गया आपके कॉमन सेंस पे पुलिस ऑफिसर के कि नेचर और ग्रेविटी क्या है ऑफेंस का, यूज हैंडकफ व्हाइल मेकिंग द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, उसको हम हैंडकफ का प्रयोग करें। और कहता है कि व्हाइल प्रोड्यूसिंग सच पर्सन बिफोर द कोर्ट, या तो हम उसको अरेस्ट कर रहे हैं तो हैंडकफिंग करेंगे या फिर मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने ले जा रहे हैं तो हम अपने नेचर एंड ग्रेविटी के अनुसार हैंडकफ का प्रयोग करेंगे। उसके आगे कहता है Who is a habitual or repeat offender? अगर वो habitual और repeat offender है, या फिर custody से भाग जाएगा, escape from custody, या फिर committed offence of organized crime, संगठित अपराध का अपराधी है, terrorist act का अपराधी है, drug related crime का है, illegal possession of arms and ammunition है उसके पास, murder का अपराधी है, rape, acid attack, counterfeiting of coins, currency notes, human trafficking, sexual offences against children or offence against the state. तो इस प्रकार के अपराध के अपराधी को हम हैंडकफिंग का प्रयोग करेंगे। ये 43 क्लॉज 3 सेक्शन में बताया गया है। क्लॉज 4 में देखेंगे, क्लॉज 4 कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स अ राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और विद इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। मतलब ऐसा एक्यूज जिसने कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें कि डेथ और इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ की सजा नहीं है तो उसमें उस एक्यूज की मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं है। और पांचवा जो आखिरी क्लॉज बताता है इसमें सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, अगर कोई अपवाद वाली स्थिति को छोड़ करके किसी भी महिला को नो वुमेन शैल बी अरेस्ट आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, महिला को सूर्यास्त के पश्चात या सूर्योदय के पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। एंड Where such exceptional circumstances exist, अगर ऐसी अपवादात्मक परिस्थिति आ जाती है तो the woman police officer shall
by making a written report, obtain the prior permission of the magistrate of the first class within whose local jurisdiction of the offence is committed, or the arrest is to be made. तो महिला पुलिस ऑफिसर लोकल जिसके मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में वो एरिया आता है, उसके रिटेन एंड प्रायर परमिशन के बाद उसको महिला को गिरफ्तार करेगी या फिर अरेस्ट इज टू बी मेड. कोई महिला अपवादात्मक जो है अपवाद वाली स्थिति में महिला पुलिस अधिकारी किसी महिला को रात्रि सूर्यास्त के बाद सूर्योदय से पहले गिरफ्तार करेगी. तो ये इस वीडियो में हम लोग देखे अरेस्ट हाउ मेड, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी. थैंक यू.